रहने वाला है, किसान परिवार में पैदा हुआ है, शायद यही वजह है कि ऑफिस के साथ साथ वह खेतों में भी काम करना पसंद करते हैं। किसानों के मुद्दे पर वो काफी संवेदनशील दिखाई देते हैं और अपने दौरों में वह खेत में जाकर धान की फसल का जायजा लेते हैं और खुद भी फसल काटते हैं। इस दौरान वह किसानों से बातचीत करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना फसल का उत्पादन हुआ, कितनी लागत आई। इन सबके पीछे मंशा यह भी हो सकती है कि जिला अधिकारी फसलों की मूल्य तय करने में परामर्शी की तरह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजते हैं। बुंदेलखंड का जो इलाका है वैसे भी फसलों के मामले में कमजोर है। जनता के द्वार योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन इस पर अमल कौन करता है? जिलाधिकारी अपने कार्यालय में बैठता है, भव्य बंगले में बैठता है, अच्छी गाड़ियां होती हैं, वहां रहता है, दिन गुजर जाता है, वो अपने महीने साल गुजारता है। लेकिन एक जिलाधिकारी जो ऑफिस का काम निपटाने के बाद क्षेत्र में निकल जाता हो, ब्लॉक में चला जाता हो, तहसील में, गाँव में चला जाता हो और अपना जो पब्लिक के बीच अपना समय काटता हो, तो ऐसे लोगों की तो सराहना होनी चाहिए कि वो लीक से हटकर कुछ अलग काम कर रहे हैं, वो ऐसे दौर में कर रहे हैं।